पिछले वीडियो में हमने एक एलईडी को ब्लूटूथ से कंट्रोल करके देखा। आज हम चार एलईडीज को कंट्रोल करेंगे। इसके लिए हम चार एलईडीज और 270 ओम्स के चार रजिस्टर्स का इस्तेमाल करेंगे। ये सारे कंपोनेंट्स ब्रेडबोर्ड पर इस तरह लगेंगे। चारों एलईडीज के निगेटिव और ब्रेडबोर्ड के कॉमन रेल के बीच एक एक रजिस्टर जोड़ दिया है। अब HC05 ब्लूटूथ मॉड्यूल के VCC और आर्डिनो के 3.3 वोल्ट की पिन के बीच एक वायर जोड़ दिया। अब आर्डिनो के ग्राउंड पिन और ब्रेडबोर्ड के कॉमन रेल के बीच एक वायर जोड़ दी। अब ब्रेडबोर्ड के कॉमन रेल और ब्लूटूथ मॉड्यूल के ग्राउंड के बीच एक वायर जोड़ दी। अब ब्लूटूथ मॉड्यूल के TXD और आर्डिनो के RX पिन के बीच एक वायर जोड़ दी। अब ब्लूटूथ मॉड्यूल के RX और वोल्टेज डिवाइडर के दो रजिस्टर्स के बीच एक वायर जोड़ दी, जैसे मैंने पिछले वीडियो में समझाया था। अब 1 के रजिस्टर और आर्डिनो के TX पिन के बीच एक वायर जोड़ दी। इसके बाद हम हर एक एलईडी के पॉजिटिव से एक एक वायर आर्डिनो के एक एक डिजिटल पोर्ट से जोड़ेंगे। यहाँ पर मैंने पिन 7, 8, 9 और 10 को जोड़ा है। अब इसके बाद ब्रेडबोर्ड के दो हिस्सों के कॉमन रेल को एक वायर से जोड़ दिया, क्योंकि ये सर्किट ब्रेडबोर्ड के दो अलग अलग हिस्सों में फैला है। वायरिंग पूरी हो जाने पर प्रोग्राम का कोड डाउनलोड करके उसे कंप्यूटर पर ओपन करें और फिर आर्डिनो में अपलोड करें। पिछले वीडियो में हमने जो ऐप इंस्टॉल किया था उसी ऐप को अब आप ओपन कर लें। ऐप में ट्रांसमीटर ओपन करें और फिर यहां से आप कैरेक्टर्स सेंड कर सकते हो। कैपिटल ABC और D टाइप करके उसे सेंड करने पर एक एक एलईडी ऑन होगा और स्मॉल ABC और D टाइप करने पर एलईडी ऑफ होंगे। आप एक बार में एक से ज़्यादा कैरेक्टर्स भी सेंड करके देख सकते हो।